अलैकुम, वेलकम बैक। आफ्टर टू लेसन्स आज हमारा है थर्ड लेसन, कोक्लियर इम्प्लांट्स, स्पीच डिले और स्लो लर्नर हेयरिंग एड यूज़र्स के लिए। हेयरिंग एड यूज़र जो होते हैं उनका थोड़ा वैसे बहुत ही स्लो चलता है, क्योंकि बेचारे बिल्कुल ही आवाज़ जो है वो नहीं सुन रहे होते हैं। उनको ज़्यादातर जो है वो आर्टिकुलेशन से ही सिखाया जाता है, और वाइब्रेटिंग साउंड्स कौन से हैं, वॉइस अनवॉइस साउंड से हम जो है वो उन बच्चों को जो है बोलना सिखाते हैं थ्रू जो है वो ऑडियो विजुअल टेक्निक से ही, मतलब के कार्ड्स के थ्रू वर्ड्स को मिला के वो मतलब बोलना सीख जाते हैं कुछ हद तक। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है आज जो है वो, जैसे कि पहली ही क्लास में लिंक साउंड हो चुके हैं, लिंक साउंड के बाद आपने इन्वायरमेंटल टर्न्स टू नेम क्रिएटिंग और बाय बाय और डिमांड सिखाई थी। वीक टू में राइमिंग आपको मैंने कहा था मस्ट रखिएगा, बच्चे को ज़रूर रोज़ डेली बेसिस पे करवाएं। इसी तरह लिंक साउंड लेसन नंबर टू में आ गया था, हरूफ तहजिया आ गए थे, लिंक साउंड्स आ गए थे, ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल्स से आ गए थे, ELTL साउंड्स आ गए थे, साउंड्स को कैसे प्रोलॉन्ग करना है, इमिटेट कैसे करना है, स्पॉन्टेनियसली कैसे बोलना है, फिर आ जाती है वोकेबुलरी, ऑडियो विजुअल टेक्निक और अकॉर्डिंग वेटिंग बाय बाय। तमाम पॉइंट्स थे हमारे वीक टू में, वीक टू कह लें, थ्री फोर जैसे भी आपके बच्चे कर रहे हैं उसमें मैंने आपको कहा था प्रेशराइज मत करिएगा बच्चे को। अच्छा जी, इस वीक में भी आपको पहले सबसे पहले लिंक साउंड ही करवाने हैं, फिर वन वर्ड बुलवाना है पीछे से, फिर ट्रांसपोर्ट में देखें बच्चे ने कितना लर्न किया, कार्ड रखें और उससे पूछें, फिर एनिमल्स में रखें देखें कितना याद कर लिया, अगर दो दो चीज़ें दोनों कर ली हैं तो एक एक फ्रूट ऐड कर दें, एक वेजिटेबल ऐड कर दें, फिर अगले वीक में वन एनिमल और एक मतलब चीज़ें एक एक करके ऐड करते जाएँ। एट द एंड ऑडिटरी में हम एट द एंड जो है ना बच्चे का 20 कार्ड्स जब हो जाते हैं तो हम उसमें बच्चे से एट अ टाइम जब उसको हम देखते हैं उसकी जो है वो माइंड लैंग्वेज मेमोरी बहुत अच्छी हो गई है तो देन हम उसे जो है वो 20 में से तीन तीन मतलब 20 में से तीन चार कार्ड भी इकट्ठे बोल देते हैं, जैसे कि आम सेब लाइम और कार दे दो, तो बच्चा जो सुनता है अकॉर्डिंग सुनने के वो हमें देता है, तो हम देखते हैं कि 20 चीज़ों में से मतलब या 30 चीज़ों में से बच्चों को कितनी चीज़ें याद है और वो हमें दे रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जो है इस वीक में जो है वो अब हमने कर दिया है कार्ड एक्शन कार्ड्स आएंगे, एक एक्शन सिखाए जाएंगे, वर्ब्स की तरफ हम आ जाएंगे, नाउंस को कर रहा है, छोटे मोटे नाउंस आप करवा ही रहे हैं बच्चे को, जैसे वो अपना नाम कर रहा है, मामा पापा बोल रहा है, ये आप सिखा रहे हैं, तो मामा पापा के लिए भी इस वीक में जो एक्शन कार्ड्स के साथ आपने उसको सिखाना है माइन, मतलब आपने एक शर्ट रखनी है उसकी, एक पापा की एक मामा की, या एक चीज़ पापा की एक मामा की और एक उसकी, अब आपने उसको कॉन्सेप्ट देना है माइंड का, मतलब है मेरा। अब आपने क्या करना है, जब आप लिंक साउंड करवा लोगे, इन्वायरमेंटल साउंड करवा लेंगे, एनिमल भी पूछ लिए, ट्रांसपोर्ट भी पूछ लिया, सब कुछ सही चल रहा है, अब आपने उसको जो है वो लेके आना है थोड़ा सा फ्रेजेस की तरफ, सेंटेंस तो नहीं करेगा मतलब छोटे छोटे अल्फाज, अब उसको आपने सॉरी वो आपने कार्ड बना लेना, इस पर लिख लें माइंड या मेरा, इस पे लिख मामा या पापा की तस्वीर लगा दें, मामा पापा भी लिख लें और साथ ये पापा, मैंने अभी नहीं लगाया कुछ, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है वो आपने ये तमाम करने के बाद आपने उसकी चीज़ रखनी है, ये किसकी है, ओ ये अली की है, और ओके ये कहाँ रखूँ, ये कर यहाँ रखूँ, ये किसका है, उसका हाथ पकड़ें, उसकी अपनी साइड पर लेके जाके मेरा या मेरी शर्ट या मेरा पेन, ठीक है, अभी उसको नहीं पता मेरा मेरी मेरे, तो फिर भी आपने बोलते हुए उसको ये बताना है, ताकि जो है वो अभी से उसको जो है वो चीज़ का पता चले, वो नहीं तो शुरू से बच्चे अगर हम नहीं टोकते तो वो मेरा मेरा हर चीज़ के लिए मेरा ही यूज़ करते हैं, या खाता खाता ही यूज़ करेगा, रहा रहा ही यूज़ करेगा। फिर जो पापा की चीज़ है पापा के पास कार्ड के रखें, और इस तरह मामा की चीज़ मामा के कार्ड, बार बार आप ये करवाएं, उनकी चीज़ें रखवाएं, एट द एंड जो है वो कार्ड्स को जो है वो रिमूव करें, फेड करें, सोफे पे रख दें शर्ट, एक चेयर पे रख दें, या मामा की किचन में रख दें, साथ उसको हाथ पकड़ के लेके बहन जो है उसका मॉडल के तौर पर आप कहें जाओ पापा की शर्ट लेके आओ, तो वो आपने इतना सेंटेंस बोलने का मकसद ये है कि अगर आपने जाओ पापा की भी नहीं बोलना, अगर नहीं समझ आ रहा उसे शॉर्ट कर दें, पापा शर्ट लाओ, पापा की शर्ट लाओ, अब वो देखेगा सोफे पे है कहाँ पे है वो देखेगा, उस टाइम आपने ज़्यादा चीज़ें स्कैटर्ड नहीं करनी, नहीं बिखेरनी, बस उतनी रखिएगा जो बच्चे को चाहिए। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में भी याद रखिएगा कि अगर बच्चे ने जो है कार्स के थ्रू कर रहा है तो उसे मॉडल जो है वो डिफरेंट जगहों पे रख लें, घर में कहीं फ्रिज पे रखाएं, कोई ड्रेसिंग पे रखाएं, कोई कहीं, तो बच्चे को उस टाइम भी करें, उस टाइम जनरलाइजेशन सीखता है कि बाहर जाना है अंदर आना है और कहाँ पर किस चीज़ पड़ी है, उस टाइम उसका माइंड बड़ा अच्छा काम करता है। टेबल सेटिंग में ही आता है, बच्चे को मत पढ़ाइएगा,
पार्क ले जाएं, पार्क में शीशा पे कोई चीज़ रख दें, कार्ड जो बने हुए हैं या मॉडल जो आपके पास पड़े हुए हैं वो रख दें और उसे पूछे जाए लेके आए। इसी तरह फिर जो है जैसे मामा पापा का आपने बता दिया, उसको फिर जो उसकी चीज़ें जो है अलमारी में है तो बार बार उसे जब चीज़ निकालनी है उसको कोई ये अली का है मतलब आप मामा बोल रही है तो आप उसका हाथ पकड़ बोले मेरा जो है वो बैग, जब उसको कोई चीज़ देने लगो उसके हाथ पकड़ो उसके ऊपर को मेरी ये है, वो ये ना कहे अफनान शर्ट, अफनान अली शर्ट और हबान शर्ट, मतलब इस तरह नाम ना ले, ठीक है। और उसके बाद मैं ज़्यादातर अपने बच्चे का ही नाम बोल देती हूँ, इतना वो मुँह पे चढ़ा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आप जो है आपने जब ये करवा लिया, उसको माइंड करवा लिया, मामा पापा भी करवा लिया, उसके बाद आपने उसको प और ब का साउंड्स करवाने हैं। मैंने हरूफ तहजी जो है वो आपसे शेयर किया था, उसमें आपने देखा होगा कि प और ब के नीचे जो इंग्लिश कॉन्सोनेंट या वोवल आते हैं वो भी उसके साथ ही लिखे हुए थे, ऊपर हरूफ तहजी था नीचे इंग्लिश के लफ्ज भी थे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि प उर्दू में कौन से साउंड हो गए और ब उर्दू में कौन से, तो सिंपल है बब्बा से बाबा और उसमें बस हो जाएगा, बी फॉर बस, बी फॉर बेबी, बी फॉर बैग, और इसमें हो जाएगा बे से जो भी है बिल्ली, बस्ता, बिस्तर, तो इस तरीके से ब साउंड आपने बच्चे को करवाने हैं, प और ब साउंड, ठीक है। ऑर्डिनरी आपकी मैक्सिमम अगर 10 कार्ड आते हैं तो 6 कार्ड बच्चे को उठाने चाहिए, मतलब 6 टर्न्स भी हैं, 6 टर्न्स में सही कार्ड उठाएं, 4 टर्न्स अगर मिस्टेक भी है तो इट्स ओके। और फिर लिंक साउंड्स हो गए और फिर फैमिली, अब देखिए इतनी देर मतलब मैक्सिमम एक वहाँ हो गया, बच्चा जो है वो सबको जो है वो सुन रहा है सारी बातें, मतलब डोर बेल को भी पहचान रहा है, लिंक साउंड कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के साउंड्स और उनके नाम भी करने लग गया है और जो अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है। तो अब आपने बच्चे को जो है ना आइडेंटिफाई कराना है कि ये किसकी आवाज़ है, मतलब दरवाजे के पीछे से इसकी सिस्टर बोले और या भाई या वो बोले तो आप पूछो किसकी आवाज़ है, आपा भाई, उसने तो एक ही वर्ड बोला है, या आपा बोलेगा या भाई बोलेगा, उसके आगे पिक्चर प्लेस रखिएगा। और ये हमेशा ऑडियो विजुअल जो टेक्निक है इसको मत छोड़िएगा, मतलब कार्ड्स के थ्रू मस्ट करवाइएगा, ठीक है। इसको जो पिक्चर कम्युनिकेशन जो है PCS भी कहा जाता है, पिक्चर कम्युनिकेशन जो है टेक्निक भी कहा जाता है, तो ये मस्ट करवाइएगा। फैक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऑटिज़म में होता है इन बच्चों के लिए भी, जो हमेशा पिक्चर्स के थ्रू जो है उनको जो है वो स्पीच करवाई जाती है या उनके बिहेवियर इशूज़ जो है वो रिजॉल्व किए जाते हैं। तो वो मतलब आपको बताया कि बहन की है या भाई की है तो वो बाहर से कोई बोले, तो इस तरीके से आपने उनको आवाज़ों की पहचान करवानी है फैमिली मेम्बर्स की। ग्रेटिंग और बाय बाय तो चल रहा है हर एक्टिविटी के एंड पे किसी के आने पे। इस दफ़ा जो ऐड होगा एक मोर चीज़ जो इसमें ऐड हुई है, रिपीट कर रही हूँ, जो है न्यू चीज़ें इसमें ऐड होगी इस वीक में, वो होगी आपने एक्शन जो माइन और मामा पापा, ठीक है। एक्शंस एक्शन में मतलब उसको माइंड जो बताया आपने, उसको वर्ब बताया मेरा है जो, उसमें आपका आ जाएगा माइंड आ गया, मामा पापा का आ गया, आपने बताना है नाउन में आ गया वो। उसके बाद जो है अभी एक्शंस आपने नहीं, उसको भी वो चल रहे हैं बाय बाय और ग्रीटिंग ही चल रहे हैं, उनमें और एक्शन ऐड किया जाएगा वॉशिंग, मतलब जब आप उसे लेके जाओगे कहीं तो आप जो है ना उसको बच्चे को मतलब जैसे ये आपने उसे कार्ड दिखाया, ये क्या कर रहा है, वट ही इज डूइंग, ठीक है, ये क्या कर रहा है। अब उसको आपने पूरा नहीं सिखाना पेंटिंग कर रहा है, अब उसको आपने बोला पेंट, पेंटिंग, पेंटिंग वर्ब आपने सिखाया, ठीक है। जब आपने फिर 4-5 कार्ड उसके हो जाएंगे लर्न कर लेगा, स्लीपिंग, वॉशिंग, वॉशिंग के लिए बार बार आपने उसको मतलब जब भी आपने वो वॉशरूम जाए आपने उसके साथ जाना है और उसको बताना है वॉश वॉश वॉश, ओ वॉश योर हैंड्स, वॉश वॉश मामा, वॉश वॉश मामा, वॉश माय है मामा वॉश हैंड। तो इस तरीके से जो है आपने बार बार जो है उसको करवाना है। वॉश के बारे में बताया जाए, क्लैप क्लैप क्लैप, ओके क्लैप, ओके डू क्लैप, ओ क्लैप विथ योर हैंड, क्लैप विथ योर ऑन हैंड, अपने हाथों से मतलब वो क्लैप उसको समझ आ रही है। जब आप कार्ड दिखाओगे तो आपको कार्ड उठा के दे देगा कि क्लैप का है, ये इस चीज़ का है, तो वो एक्शन कार्ड्स भी जो है वो आपको बताएगा। इस तरीके से आपने एक्शन इंक्लूड करने हैं इस वीक में बच्चे के जो है, और जो है वो अगर नहीं कर रहा उसको पहले आप सामने मॉडल के थ्रू क्लैपिंग मॉडल के थ्रू करवाएं ताकि उसको पता चले। मैक्सिमम 2 रखिएगा, बाय बाय सीख लिया, ग्रेटिंग सीख ली, स्माइल करना मतलब किसी के आने पे, वॉश वॉश बच्चा बड़े जल्दी सीख लेता है और जो है क्लैपिंग भी सीख लेता है। फिर इसी तरह आगे पुश पुल और जो है वो ऊपर नीचे उर्दू में जो है अगर आप करवाना चाह रहे हो तो वो आगे, और जो है वो अंदर है कुछ बाहर है, इस तरह बाहर कौन है, बाहर बाहर बहन बाहर खड़ी हो जाए वो अंदर आए, अंदर आओ, ठीक है, पॉकेट के अंदर रख लो अंदर, फिर बकेट ले लें इस तरीके से कुछ चीज़ें रख लें, उसको को बास्केट में डाल दो, में भी अगर आपने करवानी है तो ऐसा ऐसा जो है वो चलता जाएगा। इतना लंबा वो अगर बताऊँगी तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, उसको छोड़ें।
मतलब इस तरीके से आपने अगर उसको एक चीज़ मतलब करवा रहे हैं, तो अभी हम जब एक्शन पे ये आए हैं तो इस तरीके से आप एक्शन फोर टू टू करके करवाएंगे, ब और पा का साउंड करवाएंगे, उससे रिलेटेड वर्ड्स, सॉरी ब पा पा के जो वर्ड्स होते हैं वो करवाने हैं, चाहे इंग्लिश में करवाएं चाहे उर्दू में करवाएं, वो आप पे है। और उसके अलावा जो है वो आपको सबसे मेन काम जो करना है ना, डिंग साउंड वगैरह, अगर थर्ड जब भी वीक में आते हो वन मंथ के बाद, आपने बच्चे को डिवाइस की इंफॉर्मेशन देनी है मस्ट, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, इनको डिवाइस जब लग जाती है ना तो इनका ये होता है कि कुछ अपनी ऑन ऑफ खुद ही कर देते हैं। आपने क्या करना है, जब आपने बोलना है डिवाइस को एक दफ़ा ऑफ करना है और फिर बोलना है और उसको बताना है ओ कैन यू हियर मी, आपने मुझे सुना, वो आगे से कहेगा जी जी, तो आप उसका मुंह पीछे करें तो क्लैप करें या कुछ भी करें, तो वो बैक करके आपको देखेगा, तो आप कहेंगे ओ डिवाइस तो बंद है, ऑन करो, ऑन करें फिर बोले, कुछ भी करें तो वो करेगा हाँ जी मैंने सुना, मतलब सर हिलाएगा, शेक हैंड, वो जो हेड करेगा शेक, तो आपने करना है कैन यू हियर मी, तो वो उसके बाद आपने सुना तो वो आगे से सर हिलाएगा, तो आपने कहना है सुना सुना आई कैन हियर, मतलब इस तरीके से बच्चे को डिवाइस की इंफॉर्मेशन देनी है ऑन ऑफ के बारे में, ताकि वो जो है ये अक्सर अपनी डिवाइस ऑन ऑफ कर देते हैं, और उसको केयर बतानी है डिवाइस की, सबसे मेन चीज़ है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो आगे चल के कि मेरा बच्चा कहीं बाहर गया है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा स्वेटिंग हो रही है या वो उसे पता होगा कि इतनी गर्मी है बारिश है तो मैं अपनी डिवाइस को केयर से रखूँ, ठीक है। और के जी नेम हो गया, उसका अपना नाम भी हो गया, उसके मामा पापा का नाम भी उसको आ गया, उसको ये भी पता चल गया कि ये मेरा है इस वीक में जो आपने सिखाना है, ये मेरी चीज़ है या ये मामा पापा की चीज़ है, आपा की है या भाई की है। उसके अलावा एक्शंस टू ऐड कर लें, क्लैपिंग कर लें, और जो है जो भी आपको यमी आइसक्रीम खाने का ईटिंग कर लें, आपा और बा का साउंड्स करने हैं आपने। उसके अलावा आपने फैमिली की जो आवाज़ें हैं बच्चे को वो सुनानी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर शेयर करके मुझे बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं अपनी स्पीड थोड़ी कम कर लूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा उसको बताने का तरीका बदलूँ, तो कोशिश मेरी ये है जितना मेरे पास है उससे ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करूँ इल्म। उसके बाद ग्रेटिंग्स हो गए, बाय बाय हो गया। और उसके अलावा जब भी आपने बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करवाते हुए कोई चीज़ पूछनी है, आपने हमेशा वेटिंग आपने भी करनी है, ये नहीं कि एकदम से पूछा उसी टाइम क्यों नहीं बता रहे ये वो उसके ऊपर एकदम बोझ नहीं डालना, थोड़ी देर वेट करना है, आपने भी सुकून करना है, मैक्सिमम कुछ सेकंड के बाद बच्चा जज करके ज़रूर बताता है, नहीं भी करेगा तो आप प्रॉम्प्ट कर दें थोड़े से और इशारे कर दें थोड़े बहुत दूर से, हाथ के आँख के मुँह के जो भी आप वो समझता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो सीखेगा और फिर इशारों को फेडिंग मतलब खत्म कर दें, उनका खात्मा भी करना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आ जाएगा आपके पास, फिर आपने उसको इस वीक में, दो वीक में, तीन वीक में, जितने वीक ही आप पे, मैंने पहले ही बताया स्केड्यूल आपने बनाना है आई बच्चे का जो है वो, हर बच्चा जैसे कि यही हर थेरेपिस्ट कहता है, हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, इसलिए ये बात नहीं करनी चाहिए, हर इंसान की अपनी ही पसंद है ना पसंद है। डॉक्टर बनते हैं तो वो एक ही तरीके से सीखते हैं, लेकिन जब ऑपरेट करने जाते हैं तो किसी बच्चे बंदे का कोई मसला हो जाता है, उसको बीपी कुछ चल रहा होता है, किसी का बीपी कुछ चल रहा होता है, तो ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ है, लेकिन मेथड हमेशा एक ही रहता है, अप्लाई करने का तरीका जो होता है वो उस टाइम चेंज हो जाता है कि आप बच्चे को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, वो हर एक अपने मर्जी से चलता है। घर में चार बच्चे हैं, चारों की चेंज होती है चॉइसेस, माँ जो है वो चारों को उनके अकॉर्डिंग लेके चल रही होती है, अब ये तो नहीं कहती ना चारों एक तरह ही मैं डील कर रही हूँ, ऐसे भी नहीं होता, तो इसलिए ये कंफ्यूज ना हुआ करें जब कोई थेरेपिस्ट आपको ये कहता है ना कि हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ है, टेक्निक मुख्तलिफ है, तो मैं इस तरीके से आपको जो है वो नहीं बता सकता, आप आए मैं बच्चे को जो है वो समझूंगा और फिर बताऊंगा, तो माँ से बेहतर कोई नहीं समझता, सॉरी टू थेरेपिस्ट, कोई मुझे बुरा ना इस चीज़ को मानिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे भी हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो चुके हुए हैं जो सिर्फ पैसे के लिए जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और कुछ बहुत अच्छे हैं, मैं जो है वो यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, तो इसलिए कि सिर्फ पेरेंट्स की मैं चाहती हूँ टेंशन थोड़ी कम हो जाए और रिलैक्स करें पेरेंट्स। तो उसके बाद आपके पास आ जाती है पॉइंटिंग, आपने स्पीक में सिखानी है बच्चे को पॉइंटिंग, लेबलिंग सिखानी है, मतलब और मोर, तीन कॉन्सेप्ट ये भी देने हैं दो तीन वीक में जो भी है। पॉइंटिंग में आपने कोई भी चीज़ ले लेनी है बच्चे के सामने रखनी है, तो उसको यूं करके पूछना है, जो भी नाम हो गए पॉइंट जो वो सीख चुका है, पहले नाम आते हैं उसकी वोकैबुलरी में ऐड है, वो नाम आपने जो है वो लेने हैं और उससे पूछना है, जैसे पॉइंट आउट का लाइन, पॉइंट आउट कैट इस तरीके से, या टच कैट उस तरह वो करके आपको बताए, टच स्नेक, ये तमाम चीज़ें भी। उसके बाद आपने मोर का कॉन्सेप्ट देना है, उसको कुछ चाहिए, चीज़ ख़त्म हो गई है तो आप उसे बताएं डू यू वांट मोर, उसमें ज़्यादा चाहिए उसको बताएं,
चावल अगर खा रहा है ख़त्म हो गए हैं तो आपने बकेट पीछे करने और उससे पूछे मोर, तो वो आगे से शेक करेगा, सर हिलाएगा तो आप उसको मोर दें, तो इस तरह वो कंसेप्ट मोर का भी जो है वो बच्चे को आ जाएगा। तो ये होगी आपके अगले वीक के काम जो अकॉर्डिंग टू आपके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है वो चलेगा क्या लेसन प्लान है बच्चे का, इसके ऊपर काम करें और ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा जो है अभी तक जो है वो 3 लेसन मैं आपको दे चुकी हूँ, इन 3 लेसन पे आपने काम करना है अच्छे से। जब ये तमाम हो जाएंगे फिर अगला लेसन जो है वो आपको जो है साइन कर दिया जाएगा और आप बताइएगा। एट द एंड फिर से मैं कुछ पिक्चर्स भी शेयर करूँगी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, और ताकि आपको ईजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में। जैसा कि मैंने कहा था लास्ट में कार्ड शेयर्स करूँगी, ये वही कार्ड्स हैं जो आपको इजी हो जाएगी, जैसे ग्रेटिंग के लिए आप बच्चे को कार्ड शो कराएंगे कैसे किसको सामने बिहेव करना है, इसी तरह हाउस होल्ड जो है वो पॉइंटिंग और लेबलिंग में जो है वो न्यू जो है आप उसमें वोकैबुलरी ऐड करें, डिवाइस के बारे में बच्चे को फुली अवेयर करें कि वो किस तरीके से अपनी डिवाइस की जो है वो केयर कर सकता है, ऑन ऑफ हो तो वो कब सुनता है और कब सुनता नहीं है। विजुअल जो है मैंने कार्ड जो आपको कहा था कोशिश करें अगर आपके पास है तो, वो नहीं है तो फिर भी आप सिंपल बना लें, बच्चे इजी रहते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। और ये मोर वगैरह के कॉन्सेप्टली छोटी मोटी एक्टिविटी करें, आई वांट जैसे के है और या मोर के बारे में आपने बताना है तो उसको जो है वो सिंपल जो है वो डिफरेंट जो है वो कार्ड्स के थ्रू बच्चे को पहले सिखाएं या घर में, और बाद में उसको जनरलाइज करवाएं घर के कामों के थ्रू कि उसे क्या चाहिए, वो आई वांट मतलब लैपटॉप चाहिए, वो मोबाइल चाहिए, खाना चाहिए। फिर आ जाता है आपको कार्ड जिसमें इमिटेट करना है उसने एक्शंस को, एक्शंस के लिए भी उसको बच्चे को जो है वो इस तरीके से आप कार्ड शो करवाएंगे डिफरेंट कार्ड में से जो आपने सेलेक्ट करने हैं, हर वीक के हिसाब से कितने आपने एक्शन वर्ब्स करवाने हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और ये करने के बाद आपने उसको इस हफ्ते में माइंड का कॉन्सेप्ट भी देना है कि वो क्या और क्या मामा पापा का और क्या बच्चे का है, पा और बा का साउंड उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़े से ये जो शेयर किए वोकैबुलरी, अदरवाइज आप उर्दू में भी जो है पा और बा की जो वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा मौजूद है उससे रिलेटेड बच्चे को सिखा लें और वो सारे एक लिस्ट में नाम ऐड कर लें। और विजुअल के लिए फिर से कि हर चीज़ के लिए कार्ड होगा तो बच्चा सीखेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।